एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है कितना, अभी 11 बज रहा है सुबह का। आज है सैटरडे और 22 अगस्त है आज। तो आज क्या है, आज क्या है गणेश पूजा, मतलब गणेश चतुर्दशी है। तो अगर आप लोगों को गणेश चतुर्दशी का ढेर सारा शुभकामना। कल था तीज 21 तारीख को, तो हम तीज व्रत नहीं रखते हैं। और आज है गणेश चतुर्दशी। हम लोग को जो बिहार में होता है ना, बिहार में एक और पर्व होता है उसको चौरचन बोलता है। मैं तो आज बहुत स्पेशल दिन होता है गांव में, बहुत कुछ मतलब पकवान बनता है खाने पीने के लिए। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मैं देखती हूँ क्या सब बनाती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। सब करती हूँ तो फिलहाल चलती हूँ। अब हम लोग लंच करेंगे, लंच का टाइम मतलब लंच का टाइम होने वाला है, तो हम लोग आज सवेरे लंच कर लेंगे। उसके बाद सवेरे कुछ बनाना है, गुजिया दाल पूरी बनेगा और क्या सब बनता है आप लोग के साथ शेयर जो करूँगी ही। और यहाँ पे देखिए आयुष को, बाबू हाय बोल दो। कैसे हैं आप लोग, अच्छा है क्या, हो गया मजा आ गया? ये कार्टून देखेगा, कार्टून में जो बोलता है ना कि मतलब लाइक कर दो अगर अच्छा लगे तो, बच्चे लोग का है तो हमको बार बार बताएगा, मम्मी अच्छा मजा आ गया मजा आ गया। मतलब उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है, ऐसे ऐसे हाथ करेगा तो मजा आ गया। कुछ खाना भी खाएगा तो बोलेगा मम्मी थैंक यू मजा आ गया। बहुत हंसी लगता है इसको मतलब कभी कभी बात सुन के। और इसके बाद ये देखिए, ये कुछ सामान है राशन का, तो मैंने मंगवाई थी दुकान से राशन का सामान, ये जो किचन में हम डेली यूज करते हैं इसके लिए सामान है, चावल है और इसमें कुछ सामान है, तो मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पहले लंच कर लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पुलाव बनाया है खिचड़ी में, इसी में सोयाबीन आलू मटर और ये बहुत कुछ मसाला वसाला भी था, यही सब डाल के मैं पुलाव डाल के खिचड़ी बना ली थी। और यही लोग हम खाना खाएंगे, आलू का चोखा है, अचार है, सब कुछ है तो हम लोग खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे सामान दिखा रही हूँ, ये देखिए कॉकरोच मारने के लिए मैंने मंगवाई है, कॉकरोच बहुत हो गया मेरे घर में। और यह है सत्तू, मैं सत्तू पीती। और इसमें इलायची है, तो इलायची बहुत काम का आता है कुछ कुछ चीज़ में देने के लिए, ये इलायची मंगवाए हैं। और इसमें है चूड़ा पोहा, तो मैं हम लोग पोहा बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ है तो याद नहीं है अभी। और इसमें मूँगफली था, मूँगफली थोड़ा सा ही मिला दुकान में, थोड़ा सा ही बचा था। रिफाइन ऑयल, और यह है नारियल का गोला, मैं इसको घिस के मैं गुजिया में डालूँगी, घिसा हुआ नहीं मिला। और इसमें चीनी था, और यह है सूजी, बस ऐसे ही, बस यही कुछ सामान था, थोड़ा सा ही सामान था। और ये क्या है, ये साबुन इसमें फ्री मिला था सरफ के साथ, ये सरफ है। और दाल जो हम रोज़ खाते हैं वो दाल है। और ये यही सब सामान था थोड़ा मोड़ा, तो मैं इसको समेट के रख दूँगी, अब मैं अपने काम में लग जाऊँगी। और अभी मैं यहाँ पे सूजी को भून रही हूँ गुजिया के लिए। और अभी आयुष उसके पापा सो रहे हैं, जब तक वो सो रहे तब तक मैं इधर कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाल दिया है, और इसमें मैं डालूँगी रिफाइन, घी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे घी की जगह रिफाइन डाली हूँ। तो मैं ये सभी को मिला के मैं भून लूँगी, थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, जब ये थोड़ा सा ब्राउन लाल हो जाए उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। यहाँ पे देखिए ये भून रहा है, और यहाँ जो मैं नारियल को घिसे थे उसी नारियल को, आधा नारियल को मैं घस के घिसने वाले पे, और मैं इसको भून रही, बस ऐसे ही इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैं इसको भी भून लेती हूँ पहले। और यहाँ पे देखिए ये मेरा सूजी, ये सूजी भून चुका है, और इसमें
मैं इसमें डालूंगी वही नारियल का जो भून के रखा है नारियल का भूरा वो डाल दूंगी। और यहाँ पे जो मैं ड्राई फ्रूट रखी थी बादाम नारियल काजू ये सब काट के मैं डाल दूंगी। यहाँ पे मैं चीनी को ये पिसा हुआ चीनी है मैं इसको मिक्सर में पीस ली हूँ चीनी को वो मैं डाल दूंगी अपने जितना मुझे मीठा चाहिए उसी हिसाब से मैं उसमें डालूंगी चीनी चीनी का भूरा। और यहाँ पे देखिए ये मेरा हो चुका है मैं मिला ली हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं मैदा को भी सान के रख दी थी गूंथ के कुछ देर के लिए 15-20 मिनट पहले ही रख दी थी तो ये भी मेरा हो गया है। और उसके बाद आयु सब भी उठ गया है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ भुजिया तो मैं इसी रख लूँगी और साइड साइड में पानी लगा के उसके बाद मैं इसको दाबूँगी। और तो इसी तरह से मैं हम लोग के गांव में मतलब ये पर्व ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे इसमें बहुत से जैसे छठ पूजा होता है वैसे ही इसका आधा खर्चा इसमें भी लगता है आंगन में होता है और उसमें दही वही चाट वो ये होता है मिट्टी का बर्तन उसमें दही बनाया जाता है बहुत अच्छा लगता है ये पर्व। मैं अगले साल में गाँव में रहूँगी ना तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी बहुत अच्छा होता लगता है। इसमें बहुत सारा पकवान बनता है दाल पूरी बनता है गुजिया और ये खजुरिया बहुत कुछ मतलब पकवान बनता है खीर जलेबी खाजा मिठाई बहुत सारा कुछ होता है केला उला फल उल रहता है बहुत सारा जैसे छठ पर्व होता है सही होता है ये भी आंगन में होता है शाम के टाइम में 6-7 बजे जब चांद शाम के जो चांद उगता है जैसे हम लोग दियाबाती करते हैं उसी टाइम में ये पर्व होता है जैसे गणेश चतुर्दशी होता है गणेश चतुर्दशी के दिन ही होता है ये तो ये शाम में होता है आंगन में सब कुछ पसाड़ के। और यहाँ पे देखें यहाँ पे मैं सब्जी आलू टमाटर की सब्जी बना ली हूँ और इसमें मैं यहाँ पे मैं चना के दाल के उसको उबाल के उसमें नमक मिर्ची और जीरा थोड़ा फ्राई करके ये सब डाल दी हूँ दाल पूड़ी बनाएंगे। यहाँ पर मेरा आलू टमाटर का सब्जी भी हो चुका है तो फटाफट ये बन जाएगा। और यहाँ पे मैं जो गुजिया पुरुकिया बना के रखी हूँ ये भी मेरा फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं तल लूँगी मैं डालूँगी एक एक करके। और यहाँ पे मैं बनाती जा रही थी और उसको एक कपड़ा से ढकती जा रही थी और मेरा हस्बैंड भी से मतलब बनाए हैं मैं रोटी बेल रही थी और वो मतलब ये लेकर उसको मतलब डाल ये सूजी डाल डाल के उसको मतलब काट रहे थे तो दो आदमी से बनाते हैं तो ऐसा चीज़ में दो आदमी लगता ही है तो जल्दी बन जाता है और अच्छा भी लगता है बातचीत करते करते टाइम भी निकल जाता है छुट्टी के दिन में ऐसा ही होता है सबके साथ होता है। तो मैं यहाँ पे गुजिया भी फ्राई कर लूँगी और यहाँ देखिए मैं सारे गुजिया को मैं बना ली हूँ थोड़ा लाल हो ज़्यादा ही हो गया है लेकिन अच्छा लगता है खाने में बहुत टेस्टी बना था लेकिन। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मैदा बच गया था तो मैदा को मैं थोड़ा सा ये नमकीन बना ली हूँ ये पूरी टाइप पे 2-3 बना दिया हूँ उसके लिए। यहाँ पे मेरा दाल पूरी भी बन के तैयार हो गया है गुजिया भी बन गया है सारा खाना भी बन गया है सारा खाना क्या कुछ मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है दाल पूरी गुजिया और सब्जी बनाई मैं खीर भी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो लेट हो गया खीर छोड़ दो दूसरा दिन बनाना तो मैं खीर नहीं बनाई खीर भी बनता है मीठा तो कुछ बनता है। यहाँ पे मैं खाना भी निकाल रही हूँ पूरी भुजिया और सब्जी तो हम लोग खाना खा के उसके बाद मिलते हैं। क्या लेंगे क्या लेंगे बड्डू गुड नाइट बोल दो गुड नाइट अच्छा बच्चा नहीं है तू ये देखो मेरा काम बेटा गुड नाइट बोल दो ऐसे नहीं बोलते बेटा ऐसे नहीं बोलते ऐसे नहीं बोलते बाबू बोल दो गुड नाइट गुड नाइट।
तो हम लोग का ऐसे ही दिन कटा आज, चुप जाएगा, ऐसे ही कटा आज, खाया हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, 10:30 बज चुका है, अब सोएंगे, तो लोग खाना वाना खा लिए हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो कैसे पागल की तरह बन रही बन गई हूँ, तो करने का मन नहीं करता है, यहाँ पे उसका मस्ती चल रहा है, तो वो खेलेगा अभी बहुत देर तक खेलेगा, तो जाके सोएगा, अभी वो नहीं सोने वाला। क्या हो रहा है, रात को भी कुछ चल मारता है क्या? बाबू आप गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं बोलेंगे तो चलिए मेरा फोन का वीडियो आती है, जा मेरा फोन का बैटरी भी लो बता दिया है, स्विच ऑफ होने वाला फोन, तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।